क्योंकि हमें सैनी बिरादरी को ओबीसी स्टेटस मिला है जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने और सेंटर की गवर्नमेंट ने, हम उनका आभार जताने के लिए जहाँ जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं सरपंचेज हैं उनका पहले मैं आपको डिटेल में बता दूं, मेरे साथ जो सरपंच और पंचेज हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के हैं वो मैक्सिमम मोर देन 80% आए हुए हैं। उनमें से पहला नंबर तो हमारे प्रेसिडेंट सतपाल जी हैं बैठे हुए और साथ में मेरे सरपंच और चेयरमैन विजय सैनी जी हैं। उसके बाद मैं आई सेल्फ गुरदीप सैनी सरपंच कूल गंडली से हूँ मैं, और उसके बाद पंच हमारे कोठे सैनी से भगवान जी हैं, कांता जी हैं, अश्विनी सैनी जी हैं। पंच हमारे चक सिब्बू चक से अरजिंदर सैनी जी हैं, बब्बू सैनी जी हैं, और सुहागपुर से नायब सरपंच नीतू सैनी जी, सवर्ण सैनी जी, चक माजरा से नायब सरपंच ज्योति सैनी जी, कूल खुर्द से हमारी पंच हैं अश्विनी सैनी जी, खैरी से गौतम सैनी जी, गली कूल से गुरदयाल सैनी जी, और चेयरमैन हमारे अदालती कमेटी के दर्शन सैनी जी, और हरजिंदर सिंह हमारे ये अदालती कमेटी के कैशियर, और बाकी साथी हमारे यहाँ पे आज सरकार का शुक्रिया करने के लिए जो हमें जम्मू कश्मीर में स्टेटस ओबीसी का दिया है हमारी सरानी बिरादरी को, उसका हम तय दिल से शुक्राना करते हैं। जो हेडेड बाई द मोदी साहब की गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट और अमित शाह जी किया, और साथ साथ में एलजी जम्मू कश्मीर का, कि हम बहुत ज़्यादा ये शुक्राना करते हैं कि उन्होंने हमें जो गिफ्ट दिया है, एक हमारी बिरादरी को जो कि सोशली बहुत ज़्यादा पिछड़ गई थी। जैसे हम अगर चाहें कि जम्मू कश्मीर के जो सैनी हैं वो हमारे यहाँ इतने बड़े लैंडलॉर्ड नहीं हैं, किसी की 4 कनाल, किसी की 5 कनाल, किसी की 10 कनाल, किसी की बड़े से बड़ा लैंडलॉर्ड जो है 5 किले ज़मीन है, उसकी हैंड टू माउथ भी जब वो लेबर का काम अगर करे उसे ज़्यादा इनकम कमा सकता है, मगर ज़मीन का ना तो लेबर के काम करने के लिए रहा, ना ही वो दूसरा काम करने के लिए रहा, उसी पे बंधा हुआ हमारा जो सैनी है जम्मू कश्मीर का, वो कहाँ फाल करता है, कठुआ से लेके हमारा यहाँ की बॉर्डर पूरी बेल्ट जो चले गई वहाँ तक हमारी मढ़ ब्लॉक तक, वहाँ पे फाल करता है। हम लोग सोशली पिछड़ गए हैं, सोशली इतने पिछड़ गए हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर है, चाहे हमारा की जिमीदारा है, चाहे हमारा की पॉलिटिकल है, चाहे हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई भी सहा नहीं हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। और रहा बात कि आईएएस आईपीएस और केएस की, पता नहीं है कि इसके फ़ायदे क्या हैं नुकसान क्या हैं, वो थोड़े गुमराह हुए हैं, वो विरोध कर रहे हैं, वो युवा जो है हमारे साथ मीटिंग कर रहे हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारी वाड़ी बनी हुई है उस वाड़ी के साथ उनके साथ अवेयरनेस जो मीटिंगें हो रही हैं अवेयरनेस के लिए, वो लोग वापस आ रहे हैं, उनमें फ़ायदा क्या है। अगर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है इनको तो किसी को फ़ायदा नहीं है, मगर फ़ायदा किसको, जो हमारा यंग है यूथ है, चाहे उसने सर्विस में लेना है, चाहे उसने एजुकेशन में लेना है बेनिफिट इसका कैटेगरी का, चाहे उसने हायर एजुकेशन में लेना है, चाहे प्रमोशन में लेना है, वो उन्हीं यूथ को ही होगा। अब उनको हम अवेयर कर रहे हैं, समझा रहे हैं इसमें फ़ायदे क्या है नुकसान क्या है। सर और कौन कौन से राज्य में अभी तक सैनी बिरादरी को जो है आरक्षण दिया गया है? वो हमारे बहुत सारे राज्य हैं, पहला नंबर में जो कि क्षत्रिय की जो कह रहे हैं हमारे यूथ कह रहे हैं हम राजपूत हैं, हम सैनी हैं, मार्शल कौम हैं, हम मार्शल हैं, हम कि क्षत्रिय हैं, मगर कब तक जब पुरातन का कुछ जमाने की बात, जब कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी उनके लब कुछ बेटा थे, कुछ के खानदान से कुछ हमारी जो सैनी बिरादरी है, जैसे कुशवा मौर्या सैनी, तो कुछ जो गूगल में भी आप डाउनलोड करके देख लीजिए, जो कुछ बिरादरी हमारी जो उनके 22 छोटे थे शत्रुधन उसमें से हमारी बिरादरी है, कुछ वासुदेव क्योंकि जो हमारे महाराजा हुए कृष्ण का जो पिताजी थे वासुदेव, वो महाराजा सूर सैनी जो हमारे महाराजा सूर सैनी हुए जो राजा हुए हैं उनकी बिरादरी में से हैं, वंशज हैं हम, और हम क्षत्रिय वंशज हैं, नो डाउट कि हम क्षत्रिय नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं, मगर पुरातन में हजारों साल पहले में हम क्षत्रिय थे, उसके बाद आस्ता आस्ता हम जमींदार में कन्वर्ट हो गए, उसके बाद आस्ता आस्ता हम इग्नोर होते गए, उसके बाद हमारा जो पॉपुलर गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी आ गई पूरे वर्ल्ड में, उसके साथ साथ हमारे हिंदुस्तान में भी डेमोक्रेसी आ गई जिसमें एक पॉपुलर गवर्नमेंट है, एक कि अपनी मनचाही हुकूमत चुनते हैं, उसमें बड़ी बिरादरी हैं जो
कोई प्राइम मिनिस्टर किसी बिरादरी का बना, किसी का बना, कोई मिनिस्टर बना किसी का, मगर हमारी जो बिरादरी इग्नोर होती गई, आशा सा इग्नोर होती गई, उसके बाद मुगलों का राज आया इग्नोर होती गई, उसके बाद इनका अंग्रेज़ों का राज आया इग्नोर होती गई। अंग्रेज़ों का टाइम हमारे जैसलमेर में, राजस्थान में भी हमारी आज ओबीसी है, वहाँ जैसलमेर में सैनिक घराने होते थे, पटियाला में सैनिक घराने होते थे, मगर आज कहाँ है? उस टाइम अपना रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए उन्हें फिक्स कर रहे होते थे, कुछ जायदाद बनाए होते थे, मगर जम्मू कश्मीर में हमारी जिमीदार कितना है? 2 कनाल का, 4 कनाल का, 1-8 कनाल का, 10 कनाल का, बड़े से बड़ा 5 कमा का, ना वो लेबर करने के लिए ये बचता है ना।